भारत ने अंतरिक्ष में एक और कामयाबी हासिल की है, गगनयान मिशन। इसकी टेस्ट लॉन्चिंग कामयाब रही है, गगनयान की टेस्ट लॉन्चिंग कामयाब रही। पहला उसका क्रूशियल टेस्ट फ्लाइट मिशन है गगनयान के लिए, जिसमें पूरी दुनिया को ये साबित किया जाएगा कि इसरो के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो एस्ट्रोनॉट को जमीन से 400 किलोमीटर दूर स्पेस में ले जाएगा और वहां पर स्टे करवाएगा और उसके बाद वापस आएगा। ये बहुत बड़ी ग्रेट साइंटिफिक सक्सेस है। जो तरक्की करेगा, जो मेहनत करेगा, जो जहाँ जहाँ अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करेगा वही कामयाब होगा। यही चीजें हम अपने इर्द गिर्द बताते हैं। चीज एक हार्श रियलिटी है कि जो चीज है तो खुला आपको मानना चाहिए, ठीक है ना, इंडिया इस फील्ड में हमसे कंपैरेटिवली बेहतर है। अपनी ह्यूमन जो आपकी इक्विटी है उसके ऊपर पैसे लगाएं, बच्चों को पढ़ाएं। ये जो भाग भाग के बाहर जा रहे हैं कनाडा और सारे, इनको रोके वहां पे, इनको इनको रोजगार इनको दें। मैं स्पेस के बारे में सारा जानता हूँ। सितारे कैसे बनते हैं? रब की कुदरत है, रब की, अल्लाह पाक बनाता है। इंसान एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ना, वो चांद पे गया जो इंडिया, वो जाने दे। पब्लिक को, यूथ को, जोन सा वो पॉलिटिक्स तो एंगेज कर रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी का नहीं बताया जा रहा। एजुकेशन सिस्टम के बारे में कोई पार्टी बात नहीं है सच कर रही, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात नहीं कर रही। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? टेक्नोलॉजी के इनोवेशन की बात करें, आप रिवॉल्यूशन लेके आए, एजुकेशन में रिफॉर्म्स लेके आए। ऑब्वियसली जिस तरह फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि ये एक अंजीम अजीम जो है वो इंसानी कामयाबी है, और इसके जारी बात है इंडिया हैज जॉइंड एन एलीट क्लब ऑफ नेशंस। स्पेस मिशन बेसिकली, अभी तो हम यहाँ पे डिस्कवर नहीं कुछ चीज कर सकते, हमने स्पेस में क्या करना है? कि 77 साल तो हो गए, आगे कुछ लगता है कि हम दुनिया को बता सकेंगे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी इल्म है, हम भी बड़े ज्ञानी लोग हैं। वो जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इसरो ने एक और इतिहास रचते हुए गगनयान की जो टेस्ट लॉन्चिंग थी उसको सक्सेसफुली अचीव कर लिया। अब दोस्तों गगनयान अभी ऑफिशियली तो लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में मातम का माहौल अभी से बनना शुरू हो गया है। दोस्तों अगर एक बार टेस्ट लॉन्चिंग सक्सेसफुली हो जाती है तो आप लोग ये मान के चलिए कि 70-80% ऑफिशियल लॉन्चिंग भी सक्सेसफुली हो जाएगी, क्योंकि सेम प्रोसीजर उस टाइम भी करना होता है, इस टाइम भी करना होता है। तो अब पाकिस्तानी मीडिया में दहशत ये मची हुई है कि चंद्रयान 3 के अचीवमेंट के बाद अगर भारत अपना एस्ट्रोनॉट भी सक्सेसफुली भेज देता है स्पेस में, तो पाकिस्तान किस मुँह को, अपना मुँह कहाँ दिखाएगा और किस मुँह को अपने क्राउड को दिखाएगा? दोस्तों पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करती है कि हम हर टक्कर में भारत से। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फेल होने के बाद इन सब पे क्राउड का प्रेशर बन रहा है। सारे लोग कह रहे हैं कि यार हम तो भारत से पीछे होते जा रहे हैं। खास करके जो एजुकेशन वाला वर्ग है पाकिस्तान में, वो मुल्ला मौलाना हो, इन सबको बड़ा इस समय मतलब ऐसी तैसी कर रहा है, कह रहा है कि हमारी जो पाकिस्तान की जो पीछे की हालात है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हम पीछे हैं, उसके पीछे मुल्ला का कारण है, क्योंकि ये मौलवी ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाते हैं मदरसा में कि जो कहते हैं कि भाई पृथ्वी चपटी है, तो सारी साइंस वहीं पे किल हो जाती है। और कई लोग इसको मीम्स भी बना रहे हैं कि नहीं जो जी पाकिस्तान जो है वो उसको हम जन्नत में तो हम नहीं जाना है ना, बेशक इंडिया चांद पे चला गया, इस तरह की बातें जो है वो चल रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि ये एक अंजीम अजीम जो है वो इंसानी कामयाबी है, और इसके जारी बात है इंडिया हैज जॉइंड एन एलीट क्लब ऑफ नेशंस, मॉडर्न इंडिया है, एक डेवलप इंडिया है। सो दो चीज़ें मुझे, मेरा ख्याल है, मुझे समझ में आ रही हैं, दैट ए हिंदू मेजॉरिटेरियन इंडिया इज गोइंग साइड बाई साइड विद अ मॉडर्न इंडिया एज वेल। और ये क्या कौन सी चीज़ इसमें से आगे जाती है, ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया जो है उसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो एक मेजॉरिटेरियनिज्म पे भी यकीन जारी बात रखती हैं और उनकी पार्टी रखती है, लेकिन इस वक्त जो उनकी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, सक्सेस है, ये जारी बात है इसका, that deserves a lot of appreciation. क्योंकि हमें जो चीज़ सिखाया गया, हमें ये हमें सिर्फ बताया गया कि आपने जॉब करनी है, ठीक है, आप इससे सेटिस्फाई, हमें ये बताया नहीं गया कि भाई आगे दुनिया को हमने जो है बीट करना है। सही बात है। कहेंगे कि क्या हमारे पास कभी ऐसी साइंस टेक्नोलॉजी आएगी कि हम बंदों को स्पेस में भेजेंगे 400 किलोमीटर दूर जमीन से? देखिए जी, हम इसी वजह से किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में तो गुरबत ही खत्म हो रही, हमारे मुल्क में इतनी कोई एजुकेशन है नहीं, हम तो अपने मजदूरी में लगे हुए हैं। जो कह रहे हैं इंडिया कर लेगा, वो कर सकता है, वो पढ़ा लिखा है, वो कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? हम में क्या कमी रह गई? हमारे मुल्क में गुरबत ही बहुत है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो हमेशा इल्जाम इंडिया पे लगाते रहते हैं, वहाँ पे गुरबत है। आज हम कहते हैं नहीं, हम वो हमसे बहुत अच्छा है, हम लोग जो हैं, हमारे तो मजदूरी नहीं है, लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं यहाँ, हम क्या कर सकते हैं? हम तो बच्चों को पालें या बच्चों को पढ़ाएं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे एजुकेशन के लिए हम मजदूरी करें या बच्चों को पढ़ाएं।
अपने खाना खाएं या बच्चों को पढ़ाएं, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, हम तो कहते हैं कि हमारे पास जज्बा है, हम अजीम कौम है, हमारे पास सारा कुछ हमारे पास है, लेकिन करते कुरते कुछ नहीं है। देखिए जी, मसला मसाइल ये है कि हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत है। अब देखें, नवाज शरीफ आ रहे हैं सुबह, सब लोग धक्के खा रहे हैं हमारे। हम बच्चों को रोटी दें, अपनी कमाई करें या मजदूरी करें या उनके पीछे जाएं, हम नहीं उनका मुकाबला किसी का भी कर सकते भाई। हमें तो अपनी मुसीबत में पड़ी हुई है। आपने इंडिया का जिक्र किया, उधर तो साइंस का जमाना आ गया, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, हमारे मुल्क पाकिस्तान में कब आएगा, कोई सन मालूम है भाई? वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे बहुत आगे हैं वो, हम उनसे पीछे रह गए। हम बातें कर सकते हैं, हम यही है, हर आदमी तो परेशान है। सही बात है, हाँ, हर बंदा बच्चों को परेशान है। बच्चों को एजुकेशन दे, तालीम दे, या क्या करके हम अपने रोने रहे। यहाँ तो हमारे पास मकानों के किराए हैं, मुसीबतें, काम है नहीं, धक्के खा रहे सारे लोग। अंकल, जब हमारा साथ वाला हमसाया तरक्की करता है तो हमारे दिल में लगन आती है कि हमने इससे आगे जाना है। तो हमारे अफगानिस्तान भी हमसे आगे चला गया, चीन भी हमारे बाद बना, वो भी आगे चला गया, इंडिया का आप जिक्र करते हैं वो बड़ा आगे है, हमें देख के कोई जेलस से क्यों नहीं फील होती? देखो जी, हम भी कोशिश करते हैं, हम कोशिश नहीं करते, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में गुर्बत ही बहुत है। अगर कोई गुर्बत खत्म हो, हम मेहनत उनसे पीछे नहीं रह सकते, हम भी मेहनती बहुत हैं। हाँ। लेकिन हमारे हुकूमत के बहुत हम मेहनती भी हैं और हमारे पास जज्बा भी है, जज्बा भी है। देखो जी, हमारे पास दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके जरिए हम इंसानों को स्पेस पे भेजेंगे, वहाँ पर स्टे करवाएंगे और फिर बाहिफाजत जमीन पे दोबारा ले आएंगे। क्या कहेंगे सबसे पहले उनकी इस कामयाबी पर? तो सही है ना, वो तरक्की कर रहे हैं पर हम आपस में लड़ रहे हैं। क्या बात करती है आप, बात सही है। हाँ। हमारी आपस की लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही, हमारे सियासतदानों की आपस की लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही, वो मुल्क के बारे में सोच रहे हैं और हमारे सब हम लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। क्या बात है, देखिए 77 सालों का बड़ा फर्क होता है, बड़ा लंबा अरसा गुजारा। क्या हम कभी साइंस की दुनिया में कुछ करेंगे, दुनिया को कुछ दिखाएंगे? हम इंडिया से ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, हमारा तो करो ना, क्यों नहीं कर रहे? किसानों का जो लेवल है ना, वो इंडिया से ज्यादा है। हाँ। लेकिन हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, लड़ाई ने हमारा खाना खराब किया। लड़ाई ने हमारा खाना खराब किया। तो क्या साइंस और जो एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर जो पढ़ाई जा रही है उसके बारे में क्या कहेंगे, कैसी तालीम दी जाती है बच्चों को? बच्चों को तालीम प्राइवेट ही दी जाती है। हाँ, जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो तो बैठ चुके हैं ना, वो प्राइवेट है। वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी स्पेस नहीं है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट बढ़ा लें, उनकी इतनी फीसें बहुत ज़्यादा हैं। हम तो गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ गए ना, 40% लोग, 40% लोगों को रोटी की पड़ी हुई है कि हमने दो टाइम की रोटी कैसे पूरी करनी है, तो हमारा तलीमी निज़ाम कैसे सही होगा? जब गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करेगी तो हमारा तलीमी निज़ाम बेहतर नहीं होता। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि भारत के सक्सेसफुली ये गगनयान मिशन लॉन्च करने के बाद पूरी पाकिस्तान क्राउड और मीडिया घबराई हुई है। अभी ऑफिशियल मीडिया पे तो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, शाम तक ऑफिशियल मीडिया का भी रोना धोना मैं आप लोगों के सामने ला दूंगा, लेकिन एकदम रो रहे हैं गगनयान लॉन्च होने के बाद। जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था ना, इनका रोना धोना शुरू हो गया। सेम आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ वैसा ही प्रोसीजर इस समय पाकिस्तान में चल रहा है। अब दोस्तों, वही वाली बात हो जाएगी कि जब स्कूल तोड़ तोड़ के, आप लोग ये सोचो कि पिछले 5 से 10 सालों में पाकिस्तान में स्कूल तोड़ के 40 से 50% मदरसा बनाए गए हैं। ये हाफिज सईद मौलाना मसूद अजहर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका तो एक बढ़िया सा मुहिम चल रहा है पाकिस्तान में, स्कूल तोड़ो मदरसा बनाओ, मौलवी अनपढ़ मौलवी पढ़ाते हैं, पृथ्वी चपटी है, सब कुछ अल्लाह ताला की देन है, यही साइंस है। और जब यही साइंस है तो लड़के फिर बनेंगे मौलाना मसूद अजहर और फिर घोड़े पर बैठ के जाएंगे हमास को समर्थन करने, कहाँ इनसे गगनयान और चंद्रयान लॉन्च हो रहा है। तो दोस्तों, भारत के लिए तो ऐतिहासिक सक्सेस है, और क्योंकि भारत में लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इन्वेस्टमेंट्स कर रही है गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही, तो ये सारी चीज़ें भारत के हक में जाती हुई नजर आ रही है। अब अगर ये भारत कर लेता है तो मेरे ख्याल से दुनिया का तीसरा या चौथा देश बन जाएगा भारत ऐसी अचीवमेंट लेने वाला, तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी बड़ी सक्सेस होगा। एशिया में अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में कोई देश जा रहा है, जापान आप लोग पहला कह लो, चाइना आप लोग दूसरा कह लो, और तीसरा आप लोग कह लो भारत, तो बहुत काफ़ी हद तक हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दुनिया के टॉप 5 देशों में अपनी पोजीशन बना ली है। और ख़ास करके इसरो की जो सक्सेस रेट है वो तो अगर आप लोग कह लो कि टॉप 3 में गिने हम दुनिया की, तो वो कम नहीं होगा। अब दोस्तों, टॉप 1 मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है इसरो को, वो एज़ कम्पेयर चाइना और रसिया और यूएस से थोड़ा कम है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, जुड़े रहें ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।